जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के पोखरा टोला में 25 वर्षीय दिव्या दुबे की घर में ही गला कसकर हत्या का मामला सामने आया है। रविवार की दोपहर पड़ोसी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दिव्या के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने दिव्या के एक भाई और युवती के दोस्त के भाई को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि जगहा थाना क्षेत्र के मीठा बेल के मूल निवासी श्री प्रकाश दुबे की मौत के बाद उनकी पत्नी ने खोराबार में जमीन लेकर घर बनवाया था और यहीं पर दो बेटों आकाश दुबे, विकास दुबे और बेटी दिव्या दुबे के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उनकी भी मौत हो गई। बाद में बेटी दिव्या भाइयों आकाश व विकास के साथ पोखरा गांव में रहने लगी। रविवार को पड़ोसी ने घर में दिव्या का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो दिव्या के गले में प्लास्टिक की रस्सी लिपटी हुई थी, उसी से कसकर हत्या किए जाने की जानकारी होने पर खोराबार थानेदार भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने फरार भाई को हिरासत में ले लिया। युवती की गांव के ही एक युवक से गहरी दोस्ती थी। युवक के भाई को भी पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई है। पुलिस तीन बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। पहला, घर के प्रॉपर्टी का विवाद और दूसरा, प्रेम संबंध हो सकता है। इसके अलावा किसी अनहोनी के बाद हत्या की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 5 जून को खोराबार थाना क्षेत्र के पोखरा टोला की निवासी दिव्या दुबे की आत्महत्या करने की सूचना डायल 112 पर दी गई तथा उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये खोराबार में दिनांक 5/6/2021 को रात के 9:30 बजे हमें प्राप्त हुआ। उसमें ग्राम पोखरा टोला के निवासी हैं ये। तो प्रथम दृष्टया यह एक आत्महत्या के संबंध में बात की गई, उसी की सूचना आई थी 112 पर, परंतु अब हमें तहरीर मिल गई है और हमने 302 धारा 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया है थाना में और एफआईआर संख्या 304/21 है। तो उस पर हम आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।